मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट, जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा सर। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है, मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी, इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया भी। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहां बैठकर सुनने ही आया मान्यवर। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत में सिस्टम दी गई थी। इसीलिए 23 तारीख को हमने एनडीआरएफ की 9 बटालियन वहां पर, एक सेकंड, 9 बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी और 3 कल रवाना करी है। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्ट ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं।